कृपया इस वीडियो में कहे जाने वाले अल्फाजों को अपने दिल दिमाग लिवर किडनी फेफड़े किसी पे ना ले। धन्यवाद। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। लिख लेती हूँ कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आइए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। यार आप में से अगर कोई सीरियल देखता है ना तो छोड़ दो, क्योंकि आपके साथ वही हो रहा है जो कुछ लड़कियां लड़कों के साथ करती हैं, ये बोल के आई लव यू बट एज अ फ्रेंड, अर्थात आपका काटा जा रहा है। हमारी ज्यादातर सीरियल्स की देवी एकता कपूर, इनमें और गिरगिट में ज्यादा फर्क नहीं है। नहीं मतलब ये टीवी सीरियल दिखा करके औरतों का दिमाग खराब करती हैं और एएलटी बालाजी पे शेड्यूल सीन दिखा के लॉन्डो का। लेकिन आज हम इनके सीरियल की बात नहीं करेंगे, हम शुरुआत करेंगे आज कहीं और से। Okay. यार लॉजिक और सीरियल में वही रिश्ता है जो डिमोनिटाइजेशन और ब्लैक मनी में है। दोनों का कोई सेंस है लेकिन उन्हें बड़ी लगती थी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको भाई। जब हमारे यहाँ रिलेशन होते हैं और इनके यहाँ मैथ के इक्वेशन होते हैं, साला ना इक्वेशन समझ में आते हैं और ना ही इनके रिलेशन। किस बारे में कह रहा? बेबी सिस्टर के बारे में। भूल क्यों जाते हो, जल्दी लाओ ना। देख रहे हो, इन्हें देख के लगता है खुद घर घर खेलने की उम्र में माँ बाप बने फिर रहे। नहीं मतलब इतने सेक्सी हॉट माँ बाप किसके होते हैं, ये संतूर लगाने की जगह संतूर लीलते हैं क्या? Yes. ये है आम जिंदगी, ये है स्टार प्लस जिंदगी। साला ये परिवार है या पूरा जिला? नहीं मतलब अगर गलती से लोग साथ मिलकर कभी रो दे ना तो पूरे राजस्थान में भी बाढ़ ला दें। Oh no. और तो और इनकी रहीसी, भाई साहब इनकी रहीसी देखे अंबानी को भी खुद पे शक होता है कि ओ भाई मैं भी अमीर हूँ। और ये प्रूफ करने के चक्कर में उसने अपनी औलाद की शादी में 700 करोड़ खर्च कर दिए, लेकिन फिर भी इन सीरियल वालों की रहीसी उससे ज्यादा ही थी। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं मोतियों को बिखेरते हुए नायरा भागती हुई गेट की तरफ जा रही है, क्योंकि कार्तिक आया है बारात लेके। नायरा को ब्याह ले जाने, चलो अच्छी बात है, कोई तो अपनी जिंदगी में खुश रहे, संतुष्ट रहे। अबे ये क्या, ये फिर से शादी कर रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, खुशी होगी खुशी होगी। लेकिन एक मिनट, अब ये क्या कर रहे हैं? ओ भाई तीसरी बार शादी, साला कौन सा नशा करते हैं ये, कौन सा चरस फूंकते हैं? मेरे को भी चाहिए वो, मेरे को भी करना है इतना तगड़ा वाला नशा, हद है यार। हम आपके लिए एक बार फिर से शादी करने के। तो अब इनकी औलाद को इनकी शादी देखनी है तो ये चौथी बार शादी करेंगे, क्योंकि पैसा तो बहुत है यार, अंबानी के फूफा जो ठहरे। इन नादान परिंदों की शादी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अरे चार बार तो कर ही ली है, तीन रह गई थी वो भी कर लेते, 7 जन्म का झंझट एक ही बार में खत्म। तो इस सीन में हमें दिखाया जा रहा है कि नायरा और कार्तिक किडनैपर से बच के बहुत ही तेजी रफ्तार में भागे जा रहे हैं। रोक लो मुझे, कोई हाथ वाथ पकड़ लो मेरे, मेरे हाथों आज कुछ अनर्थ हो जाना है। नहीं मतलब मुंह बांध के हाथ खोल के कौन से दुनिया का किडनैपर किडनैप करता है यार, किडनैपर भी सस्ती क्वालिटी का रखते हैं ये। एक मिनट, चलो मान लिया किडनैपर ने इनका मुंह बांध के छोड़ दिया, लेकिन इनके तो हाथ खुले हुए हैं, ये तो अपना मुंह खोल सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, किसी से हेल्प मांग सकते हैं, लेकिन नहीं, ये भगे जाएंगे। सालों मिल्खा बनना है तुम्हें, गोल्ड मेडल लाना है। कंट्रोल कंट्रोल उदय। इस सीन में दिखाया जा रहा है कि नायरा और कार्तिक की औलाद रोड की तरफ भाग रही है और नायरा और कार्तिक उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कोई जहर ला के दे दो यार, अभी ये दोनों मिल्खा बने भाग रहे थे लेकिन अभी इन पे 3 साल का बच्चा नहीं पकड़ा जा रहा। ए देवा, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। क्या हम ये सही कर रहे हैं? नायरा नहीं, टीना। ये बेचारी औरत अपनी जिंदगी से परेशान है, कभी इसे मार देते हैं, कभी इसे गायब कर देते हैं, कभी इसका एक्सीडेंट करवा देते हैं, तो कभी इसका डाइवोर्स करवा देते हैं, और इन सब चीजों से भी इनके कलेजे को ठंडक नहीं पड़ी तो इन्होंने नई नायरा ही ला दी। सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादा। जिन्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये भाई साहब नायरा के बड़े भाई हैं। ठीक है पापा।
घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही ये सब तो फिर भी ठीक था, मगर ये मैडम इन मैडम की सास हैं। छोटे बहन नहीं कह सकते हम इन्हें, या फिर इन्हें कोई बताना भूल गया कि बड़ा भी होना होता है, या ये कह सकते हैं कि पूरे दुनिया के प्लास्टिक मैनेजमेंट का ठेका इन्हीं ने ले रखा है। इन सीरियल वालों को लॉजिक की लेकर के संतुष्टि नहीं मिली तो अब ये साइंस की लेने पे उतर आए हैं। कायरव, शब आप अपने पापा से मिलोगे, स्काई पिंक हो जाएगा एंड स्काई में टू रेनबोज निकलेंगे, फिर बहुत सारी ब्लू बटरफ्लाईज आपके पास आएंगी और उसके बाद व्हाइट लोटस की रेन होगी। व्हाट व्हाट द फक, काट दिया बच्चे का, काट दिया साला। वो बच्चा देवलोक में नहीं है जो आसमान से फूलों की बारिश होगी, बच्चे के फीलिंग्स और इमोशंस के साथ खेल रहे हो तुम। अरे डरो नहीं, ये सब तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अब शुरू होगी। कोरोना अब आया है, लेकिन इन मैडम ने हमें वायरस धोना काफी साल पहले सिखा दिया था। बहुत बढ़िया शाबाश यार, ऐसे तो धोते वायरस। और यहाँ गोपी बहू नाच रही है। Two hours later. और नाच रही है। Six months later. थोड़ा और नाच रही है। 2000 years later. ओ बस कर भाई, बहुत हो गया। इन्हें नाचने का इतना ज्यादा शौक है, इन्हें भेजो यार कोई DID में। एक मिनट, सॉरी, ये तो वहां का सब में बड़ा क्राइटेरिया मैच ही नहीं कर पाते। गरीब तोड़ गरीबी। इस आदमी की बीवी यानी गोपी बहू हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर्स के अनुसार मर चुकी है, लेकिन ये आदमी क्या कहना चाहता है सुनिए। एक बार कह रहा हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना तो तुम देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बंद करो अपना ये तमाशा और उठो, अब मुझे मेरी ग्रीन दी दो, मुझे मेरी ग्रीन दी दो अभी क्या भी। ओ भाई मारो मुझे, मारो नहीं, मुझे नहीं, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अबे इस आदमी की बीवी मर गई है और इसे चाहिए क्या ग्रीन टी? नहीं मतलब बीवी मर गई ठीक है ओके फाइन, लेकिन मुझे मेरी ग्रीन टी दे दे उठ करके, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। नहीं कोई सेंस है इस बात की? गोपी बहू तो लोल थी ही, लेकिन इनकी सास महालोल है। कसम है माता पार्वती की, कसम है अपने पुत्र गणेश की। इस तरह से भगवान को कोई डराएगा तो भगवान डर के मारे क्यों ना करे किसी आदमी को दोबारा जिंदा। मिस्टर मोदी, इट्स अ मिरेकल, शी इज बैक, शी इज बैक। व्हाट व्हाट द फक, कुछ भी कुछ भी। मैं तो कहती हूँ कोई इनको बोल के भगवान को डरवाओ और कोरोना भी खत्म करवा दो, क्योंकि इनसे भगवान डर सकते हैं। जब भगवान डर के मारे इंसान जिंदा कर दिए तो कोरोना तो छोटी मोटी चीज है यार। यार इस सीरियल को खत्म हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी मेरे को रातों में भयानक भयानक सपने आते हैं। गलती से मम्मी के साथ बैठ के 2-3 बार देख लिया था, और एक ये रिश्ता क्या कहलाता है पता नहीं यार, ये अमर गुट्टी पी के आया है, समझ में नहीं आ रहा, खत्म ही नहीं होता। पता नहीं मेरे जीते जी खत्म भी होगा कि नहीं होगा। साला जब तक इस देश में सीरियल रहेगा तब तक लोग समझ जाओ आप बनते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी।